अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 बिहार बोर्ड उर्दू के PYQ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो जितने भी सवाल मैं आप लोगों को इस वीडियो में कराऊंगा वो तमाम सवाल 2021 में पूछे गए थे। तो इसमें जो आप लोग का पहला सवाल है, यहाँ पे पहला सवाल है क्वारंटीन अफसाना में किस वबा का जिक्र है। पहला यहाँ पे ऑप्शन है तपदुक, दूसरा है मलेरिया, तीसरा है प्लेग और चौथा है निमोनिया। तो क्वारंटीन अफसाना जो है उसमें प्लेग वबा का जिक्र है, तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेदी कब पैदा हुए। यहाँ पे पहला ऑप्शन है 1931, दूसरा ऑप्शन है 1915, तीसरा ऑप्शन है 1916 और चौथा ऑप्शन है 1914। तो बेदी की जो पैदाइश है वो 1915 में हुई थी, ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कामिल इनकलाब का तस्वुर किसने पेश किया। पहला ऑप्शन है यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू, दूसरा ऑप्शन है इंदिरा गांधी, तीसरा ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण और चौथा ऑप्शन है राजीव गांधी। तो कामिल इनकलाब का जो तस्वुर है वो जयप्रकाश नारायण ने पेश किया, तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उर्दू मुअल्ला किसके खतूत का मजमुआ है। पहला ऑप्शन है यहाँ पे मेहदी अफादी, दूसरा ऑप्शन है मिर्ज़ा गालिब, तीसरा है मौलाना आमाद, चौथा ऑप्शन है सर सैयद अहमद खान। तो उर्दू मुअल्ला जो है वो हो जाएगा हम लोग का मिर्ज़ा गालिब, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये मिर्ज़ा गालिब के खतूत का मजमुआ है उर्दू मुअल्ला। अगला सवाल है हम लोग का यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से कौन सी नज्म अली सरदार जाफरी की है। पहला ऑप्शन है यहाँ पे मेरा सफ़र, दूसरा ऑप्शन है सफ़रनामा, तीसरा ऑप्शन है जुस्तजू और चौथा ऑप्शन है मेरा घर। तो अली सरदार जाफरी की जो नज़्म है वो है मेरा सफ़र, ऑप्शन नंबर ए हम लोग का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जदीद उर्दू नज़्म की रवायतों में किस नज़्म को अव्वलियत हासिल है। यहाँ पे पहला ऑप्शन है दिवाली, दूसरा ऑप्शन है मस्जिद कुर्तुबा, तीसरा ऑप्शन है शब कद्र और चौथा ऑप्शन है ईद। तो शब कद्र इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी शब कद्र। अगला सवाल है दर्ज जेल में कौन सी नज्म अमीक हनफी की है। पहला ऑप्शन है यहाँ पे मुतशायर, दूसरा ऑप्शन है मेरा सफ़र, तीसरा ऑप्शन है खेती और चौथा ऑप्शन है गुफ्तगु। तो 7 का जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी खेती। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे वो नाम जो किसी खूबी या खराबी के बिना पर आवाम की तरफ से दिया जाता है उसे क्या कहते हैं। तो इसका पहला ऑप्शन यहाँ पे पहला जो ऑप्शन है वो है खिताब, दूसरा ऑप्शन है लकब, तीसरा है कुनियत और चौथा है तखल्लुस। तो जो आवाम की तरफ से दिया जाता है किसी खराबी या खूबी के बिना पे उसको हम लोग कहते हैं लकब, तो ऑप्शन नंबर बी जो है हम लोग का वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9, मिर्ज़ा असदुल्ला खा गालिब में गालिब क्या है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन दे रखा है लकब, दूसरा है खिताब, तीसरा है तखल्लुस और चौथा है उर्फ। तो गालिब जो है वो इनका तखल्लुस था, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मिर्ज़ा असदुल्ला गालिब में गालिब जो है वो तखल्लुस था उनका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग का। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 10, इनमें से कौन सा लफ्ज़ मुजक्कर है। पहला ऑप्शन है यहाँ पे जोगन, दूसरा है जंग, तीसरा है उलझन और चौथा है परचम। तो ये जो जोगन, जंग, उलझन ये सब मुअन्नस लफ्ज़ है और ये परचम जो है ना, परचम ये मेरा परचम है, तो ये मुजक्कर लफ्ज़ है। तो डी हम लोग का सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 11, सआदत हसन मिंटू की वफ़ात कब हुई। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है 1956, दूसरा ऑप्शन है 1955, तीसरा ऑप्शन 1955 और चौथा ऑप्शन है 1957। तो हम सभी जानते हैं कि सआदत हसन मिंटू जो है उनकी वफ़ात हुई थी 1955 में, ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, प्रॉमिस क्या है। तो पहला ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे नावल, ड्रामा, मस्नूई और चौथा ऑप्शन है अफसाना। तो प्रॉमिस जो है वो एक अफसाना है, तो हम लोग का जो डी है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है इनमें से किस अफसाना निगार को साहित्य अकेडमी अवार्ड से नवाजा गया। पहला ऑप्शन है यहाँ पे कृष्णचंद्र, दूसरा है सआदत हसन मिंटू, तीसरा है सलाम बिन रज़ाक और चौथा ऑप्शन है यहाँ पे शफी जावेद। तो जो साहित्य अकेडमी अवार्ड से नवाजा गया था जिस अफसाना निगार को, वो उनका नाम है सलाम बिन रज़ाक, ऑप्शन नंबर हम लोग का सी सही हो जाएगा, सलाम बिन रज़ाक। ओके 13 का ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौलाना आज़ाद का असल नाम क्या था। यहाँ पे पहला ऑप्शन है अजीमुद्दीन, दूसरा है नईमुद्दीन, तीसरा है महीउद्दीन और चौथा ऑप्शन है जसीमुद्दीन। तो मौलाना आज़ाद का जो असल नाम था वो था महीउद्दीन, मतलब ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ें तो हम लोग का यहाँ पे जो सवाल नंबर 15 है, रज्जब अली बेग सर्वर से कौन सी किताब मंसूब है। पहला ऑप्शन है यहाँ पे गंज खूबी, दूसरा है फसाना या अजाइब, तीसरा है नौतर्ज मुरस्सा और चौथा ऑप्शन है बागो बहार। तो रज्जब अली बेग सरवर से कौन सी किताब मंसूब है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आप लोग को ऑप्शन नंबर बी फसाना ए अजाइब, तो हम लोग का ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, लोक नायक के नाम से किसे पुकारा जाता है। पहला ऑप्शन है यहाँ पे गांधी जी, दूसरा ऑप्शन है पंडित जी, तीसरा ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद,
और चौथा ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण। तो हम सभी को मालूम है कि जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से भी जाना जाता था। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17, बेदी का पूरा नाम क्या था। पहला ऑप्शन है यहाँ पे महेंद्र सिंह, दूसरा है रामचंद सिंह, तीसरा ऑप्शन है राजेंद्र सिंह और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो बेदी का जो पूरा नाम था वो राजेंद्र सिंह बेदी था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे रजब अली बेग सरवर कहाँ के बाशिंदा थे। पहला ऑप्शन है यहाँ पे अलीगढ़, दूसरा ऑप्शन है कानपुर, तीसरा ऑप्शन है लखनऊ और चौथा ऑप्शन है अलाहाबाद। तो रजब अली बेग जो थे वो कहाँ के बाशिंदा थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ के बाशिंदा थे। कौन? रजब अली बेग सरवर। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का सवाल नंबर 19, औध हिंद किसके खतूत का मजमुआ है। तो यहाँ पहला ऑप्शन है इकबाल, दूसरा ऑप्शन है सर सैयद, तीसरा ऑप्शन है गालिब और चौथा ऑप्शन है चकबस्त। तो 19 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हम लोग का गालिब, मिर्जा गालिब। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे नज्म गुफ्तगू किसकी लिखी हुई है। गुफ्तगू जो है नज्म गुफ्तगू किसकी लिखी हुई है। तो यहाँ पहला ऑप्शन है जज्बी, दूसरा ऑप्शन है फैज़, तीसरा ऑप्शन है वज़ीर आगा, चौथा ऑप्शन है अली सरदार जाफरी। तो नज्म गुफ्तगू के मुसन्निफ़ कौन है, हम लोग का सही आंसर हो जाएगा अली सरदार जाफरी। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है काश के वो आता किस फेल की मिसाल है। यहाँ पे देखिए काश या मतलब एक एक्सपेक्टेशन है कि काश वो आता। तो यहाँ पहला ऑप्शन दे रखा है माजी करीब, दूसरा ऑप्शन है माजी शकिया, तीसरा ऑप्शन है माजी तमन्नाई और चौथा ऑप्शन है माजी मुतलक। तो इसमें तमन्ना की जा रही है कि काश वो आता। तो यहाँ पे जो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा माजी तमन्नाई, ये तमन्ना है कि काश वो आता। अगला सवाल है काश मैं जाता, काश मैं ये कर पाता, ये सभी जो है माजी तमन्नाई। अगला सवाल है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 हम लोग का है, मानी के एतबार से इसमें की कितनी किस्में हैं। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन दे रखा है 4, दूसरा ऑप्शन है 3 और तीसरा ऑप्शन है 2, चौथा ऑप्शन है 5। तो मानी के एतबार से जो इसमें की किस्में हैं वो 2 है। ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही हो जाएगा। पहला कौन है तो इसमें मार्फा और दूसरा है इसमें नकरा। तो जिसको हम लोग इसमें मार्फा को इसमें खास और इसमें नकरा को इसमें आम भी बोलते हैं। अगला सवाल है यहाँ पे माजी ना तमाम की एक मिसाल दीजिए। यहाँ पे पहला ऑप्शन है वो गया, दूसरा ऑप्शन है वो जाता है, तीसरा ऑप्शन है वो जा चुका है और चौथा ऑप्शन है वो गया था। तो माजी ना तमाम जो ख़त्म नहीं होता तो वो जाता है, ये जो है ना माजी ना तमाम की मिसाल है। तो 23 का जो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वो जाता है। अगला सवाल है हम लोग का यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24, अजाब की जिद क्या होगी। तो अजाब का जिद होगा सवाब, दूसरा है सवाब, तीसरा है शबाब, चौथा है सताब। तो अब अजाब की जो जिद होती है वो मतलब जिद मतलब उल्टा, जिद मतलब होता है यहाँ पे उल्टा। तो अब अजाब की जिद हो जाएगी हम लोग का सवाब, से सवाब, ये वाला साद से नहीं। अगला सवाल है हम लोग का इनमें से मुजक्कर की निशानदेही कीजिए, मुजक्कर बताना है। पहला सवाल है यहाँ पे पहला ऑप्शन है तालीम, दूसरा है खुशबू, तीसरा है बदबू और चौथा है अखबार। तो तालीम हो गया, खुशबू हो गया, बदबू हो गया, ये सब मुअन्नस लफ्ज़ है और हम लोग का जो मुजक्कर लफ्ज़ हो जाएगा वो हो जाएगा अखबार। ऑप्शन डी हम लोग का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26, अकबर इलाहाबादी किस पर्चे के नौरत्नों में शामिल है। पहला ऑप्शन है यहाँ पे निगार, दूसरा है जमाना, तीसरा है अलपंच, चौथा है ओध पंच। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओध पंच के नौरत्नों में शामिल है। कौन? अकबर इलाहाबादी। और 26 का ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नज्म बर्क कलीसा के खालिक का नाम बताइए। पहला ऑप्शन यहाँ पे जोश मलियाबादी, दूसरा है अकबर इलाहाबादी, तीसरा है जिगर मुरादाबादी और चौथा ऑप्शन है दिलावर फगार। तो इस 27 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हम लोग को ऑप्शन नंबर बी, अकबर इलाहाबादी। बर्क कलीसा के जो खालिक है मुसन्निफ है वो है अकबर इलाहाबादी। अगला सवाल है यहाँ पे मुतशायर किस काम से नहीं थकता। ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पे शायरी से, बी है सफ़र से, सी है जी हुजूरी से और डी है इनमें से कोई नहीं। जी हुजूरी करने से नहीं थकता है। कौन? मुतशायर। अगला सवाल है हम लोग का यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29, मिर्ज़ा नौशा किसे कहा जाता है। तो यहाँ पहला ऑप्शन है मीर को, मोमिन को, दूसरा है दर्द को और तीसरा है दर्द को और चौथा है गालिब को। तो मिर्ज़ा नौशा के नाम से कौन मशहूर है, तो गालिब, मिर्ज़ा गालिब। ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे मिर्ज़ा गालिब की पैदाइश कहाँ हुई। पहला ऑप्शन है यहाँ पे दिल्ली, दूसरा ऑप्शन है आगरा, तीसरा ऑप्शन है रामपुर और चौथा ऑप्शन है लखनऊ। तो मिर्ज़ा गालिब की जो पैदाइश है वो कहाँ हुई थी, ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही हो जाएगा, आगरा। आगरा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 31 का, अली सरदार जाफरी को ज्ञानपीठ अवार्ड कब मिला।
पहला ऑप्शन है यहाँ पे 1990, दूसरा ऑप्शन है 1993, तीसरा ऑप्शन है 1995 और चौथा ऑप्शन है 1997। तो इनको जो ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था वो मिला था 1997 में, तो ऑप्शन डी हम लोग का सही हो जाएगा। अगला सवाल है यहाँ पे, इनमें नज्म निगार की हैसियत से किस शायर को तस्लीम किया गया है। पहला ऑप्शन यहाँ पे फ़ाइज देहलवी, दूसरा ऑप्शन है साद अजीम आबादी, तीसरा ऑप्शन है नज़ीर अकबर आबादी और चौथा ऑप्शन है मीर अनीस। तो 32 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हम लोग को ऑप्शन नंबर सी, नज़ीर अकबर आबादी। अगला सवाल है, खेती किसकी नज्म है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 33 है, खेती किसकी नज्म है। पहला ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे अली सरदार जाफरी, दूसरा ऑप्शन है अमी कहनफी, तीसरा ऑप्शन है जफर कमाली, चौथा ऑप्शन है अकबर इलाहाबादी। तो खेती जो है वो किसकी नज्म है, ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही हो जाएगा, अमीक हनफी की नज्म है। कौन, खेती जो है वो अमीक हनफी की नज्म है। अगला सवाल हम लोग का यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 34, बर्क कलीसा किस शायर की तख्लीक है। यहाँ पे पहला ऑप्शन दे रखा है इकबाल, दूसरा ऑप्शन है अकबर इलाहाबादी, तीसरा ऑप्शन है अली सरदार जाफरी और चौथा ऑप्शन है अमीक हनफी। तो 34 का ये सवाल पहले भी पूछा हुआ था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अकबर इलाहाबादी, ये रिपीटेड सवाल है। क्वेश्चन नंबर 35 है, अकबर इलाहाबादी की वफात कब हुई। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन दे रखा है 1920, दूसरा ऑप्शन है 1921, तीसरा ऑप्शन है 1822 और चौथा ऑप्शन है यहाँ पे आप लोग को और चौथा ऑप्शन है 1823। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1921 में अकबर इलाहाबादी की वफात हुई थी। ओके, अगला सवाल हम लोग का यहाँ पे 36, रंज का खोगर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज, ये मिसरा किस शायर का है। पहला ऑप्शन यहाँ पे मिजाज, दूसरा ऑप्शन है गालिब, तीसरा ऑप्शन है फैज और चौथा ऑप्शन है मीर। तो 36 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गालिब, ऑप्शन नंबर बी, ये जो रंज का खोगर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज, ये गालिब का मिसरा है, गालिब के शेर का मिश्रा है। अगला सवाल है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 37, यगाना चंगेजी ने अपनी ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा कहाँ गुजारा। पहला ऑप्शन है दिल्ली, दूसरा ऑप्शन है अजीमाबाद, तीसरा ऑप्शन है इलाहाबाद और चौथा ऑप्शन है लखनऊ। तो यगाना चंगेजी ने जो अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा गुजारा था वो लखनऊ में गुजारा था, ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 38, कागजी पिरहन किसका शेरी मजमुआ है। किसका शेरी मजमुआ है। पहला ऑप्शन यहाँ पे गालिब, दूसरा ऑप्शन है खलील रहमान आजमी, तीसरा ऑप्शन है अमीक हनफी, चौथा ऑप्शन है अली सरदार जाफरी। तो ये कागजी पिरहन जो है ये है आपको खलील रहमान आजमी के शेरी मजमुआ का मजमुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 39, दर्ज जेल में खलील रहमान आजमी की तसनीफ कौन है। पहला ऑप्शन यहाँ पे उर्दू अदब की तारीख, दूसरा ऑप्शन है तरक्की पसंद शायरी, तीसरा ऑप्शन है नया अदब, चौथा ऑप्शन है उर्दू में तरक्की पसंद अदबी तहरीक। तो ये ऑप्शन नंबर डी जो है ये सही हो जाएगा हम लोग का। अगला सवाल है यहाँ पे, अता काकवी की कौन सी नज्म आपके निसाब में शामिल है, यानी हमारे बुक में अता काकवी की कौन सी नज्म है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन दे रखा है गम राशिद, दूसरा ऑप्शन है गम रशद, तीसरा ऑप्शन है गम मुर्शिद, चौथा ऑप्शन है गम अरशद। तो ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही हो। क्वेश्चन नंबर 41 है यहाँ पे, किस्सा गोई की कदीम नसरी सिंफ को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है यहाँ पे दास्तान, दूसरा ऑप्शन है नाबिल, तीसरा ऑप्शन है अफसाना और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो 41 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आप लोग को दास्तान, किस्सा गोई की कदीम नसरी सिंफ को दास्तान कहते हैं। अगला सवाल है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 42, टूबा टिक्सिंग का असल नाम बताएं। टूबा टिक्सिंग का असल नाम क्या था। पहला ऑप्शन यहाँ पे फजलुद्दीन, दूसरा ऑप्शन है हरी सिंह, तीसरा ऑप्शन है अर्जुन सिंह, चौथा ऑप्शन है बिशन सिंह। तो टूबा टिक्सिंग का जो असल नाम था, ओरिजिनल नेम, वो बिशन सिंह था, ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 43 है, प्रॉमिस किसका अफसाना है। पहला ऑप्शन यहाँ पे जिलानी बानो, दूसरा है अजमत चौथाई, तीसरा ऑप्शन है शकीला अख्तर और चौथा ऑप्शन है शफी जावेद। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्रॉमिस जो है वो जिलानी बानो का अफसाना है, तो हम लोग का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 44, जर्नलिस्ट रवि रंजन अजीज अहमद के कौन थे। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है पुराने दोस्त, दूसरा ऑप्शन है पुराने दुश्मन, तीसरा ऑप्शन है चचा और चौथा ऑप्शन है भाई। तो जर्नलिस्ट रवि रंजन जो थे वो अजीज अहमद के पुराने दोस्त थे, ऑप्शन नंबर ए हम लोग का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, शफी जावेद की पैदाइश कहाँ हुई। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है पटना, दूसरा ऑप्शन है गया, तीसरा ऑप्शन है मुजफ्फरपुर और चौथा ऑप्शन है भागलपुर। तो 45 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हम लोग को ऑप्शन नंबर सी, मुजफ्फरपुर इज द राइट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे 46, गुबार खातिर का ताल्लुक किस सिंफ से है। पहला ऑप्शन है यहाँ पे खतूत, दूसरा ऑप्शन है खाका, तीसरा ऑप्शन है इंशाइया और चौथा ऑप्शन है
अफसाना। तो गुबार खातिर का जो ताल्लुक है वो किससे है, खतूत से है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, खतूत हो जाएगा हम लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 47, मौलाना आज़ाद के कितने खतूत आपकी किताब में शामिल हैं। यहाँ पे पहला ऑप्शन है एक, दूसरा है दो, तीसरा है तीन और चौथा है चार। तो मौलाना आज़ाद के टोटल तीन खतूत हमारी किताब में शामिल है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, मैं यूनिवर्सिटी में किसकी खुद नौश्त है। तो यहाँ पहला ऑप्शन है एहसान दानिश, दूसरा ऑप्शन है एहसान ताबिश, तीसरा ऑप्शन है एहसान निज़ामी और चौथा ऑप्शन है वज़ीर आगा। तो मैं यूनिवर्सिटी में ये एहसान दानिश की खुद नौश्त है, तो ऑप्शन नंबर ए हम लोग का सही हो जाएगा, 48 का ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 49, उर्दू की पहली खुद नौश्त का नाम बताएं। पहला ऑप्शन है यहाँ पे आमालनामा, दूसरा ऑप्शन है काला पानी, तीसरा ऑप्शन है अपनी तलाश में और चौथा ऑप्शन है अभी सुन लो मुझसे। तो उर्दू की जो पहली खुदनौश्त है उसका नाम है काला पानी, ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे मुल्ला वजही किस किताब के मुसन्निफ़ हैं। पहला ऑप्शन है यहाँ पे बागो बहार, दूसरा ऑप्शन है सबे रस, तीसरा ऑप्शन है रानी की कहानी, दूसरा ऑप्शन है नौतर्ज मुरस्सा। तो 50 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सबे रस। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हम लोग का अता काकवी की पैदाइश कहाँ हुई। पहला ऑप्शन यहाँ पे बीबीपुर, दूसरा है काकू, तीसरा है दस्ता और चौथा है अरोल। तो अता काकवी की जो पैदाइश हुई थी वो हुई थी आपको काकू में, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 52, इनमें से कौन शायर तरक्की पसंद नहीं है, कौन शायर तरक्की पसंद नहीं है। पहला ऑप्शन यहाँ पे फैज़ अहमद फैज़, दूसरा है अली सरदार जाफरी, तीसरा है साद अजीमाबादी, चौथा ऑप्शन है मिजाज लखनवी। तो 52 का जो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साद अजीमाबादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे सौदा किस हैसियत से मशहूर है। पहला ऑप्शन यहाँ पे मरसिया गौ, दूसरा ऑप्शन है कसीदा गौ, तीसरा ऑप्शन है गज़ल गौ और चौथा ऑप्शन है रुबाई गौ। तो सौदा जो है वो किस हैसियत से मशहूर है, तो कसीदा गौ से की हैसियत से मशहूर है, ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हम लोग का क्वेश्चन नंबर 54, गुलजार नसीम क्या है। पहला ऑप्शन है यहाँ पे कसीदा, दूसरा ऑप्शन है दास्तान, तीसरा ऑप्शन है अफसाना और चौथा ऑप्शन है मसनूई। तो 54 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हम लोग का मसनूई, गुलजार नसीम एक मसनूई है। अगला सवाल है हम लोग का 55, शर्म का मुतरादिफ़ क्या होगा। मुतरादिफ़ बोलते हैं बेसिकली एक ही जैसे लफ्ज़ को, कि मतलब लफ्ज़ अलग अलग हो लेकिन उसका मानी एक ही हो। तो शर्म यहाँ पे पहला ऑप्शन है बेशर्म, दूसरा है हया, तीसरा है इज्जत और चौथा है वफा। तो बेसिकली जो शर्म होता है उस शर्म व हया, जैसे हम लोग यूज़ करते हैं शर्म व हया, तो शर्म का और हया का मानी एक ही होता है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। ये दोनों लफ्ज़ अलग अलग है लेकिन इसका मीनिंग एक ही निकलता है। अगला सवाल है यहाँ पे हाल की जमा क्या होगी। पहला ऑप्शन है हालात, दूसरा ऑप्शन है अहवाल, तीसरा ऑप्शन है हालात, चौथा ऑप्शन है हालातों। तो हाल की जमा हम लोग सभी जानते हैं कि हाल की जमा होती है अहवाल, ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 57, अगला सवाल है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 57, लागर की जिद क्या होगी। लागर की जिद क्या होगी। पहला ऑप्शन है यहाँ पे गरबा, दूसरा ऑप्शन है नरगा, तीसरा ऑप्शन है फरवा और चौथा ऑप्शन है जमरा। तो लागर की जो जिद है, जिद यानी उल्टा, अपोजिट बताना है। तो 57 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फरवा, ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का यहाँ पे शौक का मुतरादिफ क्या होगा। मुतरादिफ फिर से मैंने वही आ गया कि लफ्ज़ अलग अलग हो लेकिन मीनिंग सेम हो। तो यहाँ पहला ऑप्शन है जौक, दूसरा ऑप्शन है लुत्फ, तीसरा ऑप्शन है खौफ और चौथा ऑप्शन है शायक। तो शौक जौक हम लोग ऐसे इस्तेमाल करते हैं, शौक और जौक दोनों का मतलब एक ही होता है, बस लफ्ज़ अलग अलग है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा हम लोग का। अगला सवाल है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 59, कलमा किसको कहते हैं। तो कलमा है, तो यहाँ पहला ऑप्शन है बेमानी लफ्ज़ को, बामानी लफ्ज़ को, मुहम्मद लफ्ज़ को और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो कलमा बेसिकली उस वैसा कोई भी लफ्ज़ हो जिसका मानी निकलता हो, कुछ मीनिंग निकले, उसको हम लोग कलमा कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 60, माजी नातमाम की एक मिसाल दीजिए। यहाँ पे माजी नातमाम का मिसाल पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है यहाँ पे वो गया, दूसरा ऑप्शन है वो जा चुका है, तीसरा ऑप्शन है वो गया था, चौथा ऑप्शन है वो जाता था। तो ये वो जाता था जो है ना, ये माजी नातमाम की एक मिसाल है। अगला सवाल हम लोग के यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 61, निसाब में शामिल हम नहीं जानते का तर्जमा किस जबान से किया गया है। पहला ऑप्शन है यहाँ पे अंग्रेज़ी, दूसरा ऑप्शन है जर्मन, तीसरा ऑप्शन है अतालवी और चौथा ऑप्शन है फ्रेंच। तो हम नहीं जानते ये का जो तर्जमा किया गया वो अतालवी जबान से किया गया, ऑप्शन नंबर हम लोग का सी सही हो जाएगा, अतालवी।
अगला सवाल है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 62, मुझे दिल की खता पर डैश नहीं आता, मुनासिब लफ्ज में मिसरा मुकम्मल कीजिए। मतलब इस डैश की जगह पे आपको भरना है कि क्या फिट क्या भरा जाएगा। पहला ऑप्शन यहाँ पे घबराना, दूसरा है शर्माना, तीसरा है उतारना इतराना, चौथा ऑप्शन है झिल्लाना। तो मुझे दिल की खता पर शर्माना नहीं आता, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा हम लोग का। अगला सवाल है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 63, यगाना चंगेजी की वफात कहाँ हुई। पहला ऑप्शन है यहाँ पे अजीमाबाद, दूसरा है दिल्ली दिल्ली, तीसरा ऑप्शन है आगरा और चौथा ऑप्शन है लखनऊ। तो यगाना चंगेजी की जो वफात हुई थी वो कहाँ हुई थी, ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही हो जाएगा, लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, इनमें से कौन शायर अजीमाबादी नहीं है। पहला ऑप्शन यहाँ पे रास्क, दूसरा है यगाना, तीसरा है नास्क और चौथा है शाद। तो इसमें से जो अजीमाबादी शायर नहीं है वो कौन है, 64 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नास्क। अगला सवाल है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 65, खुशी में अपने कदम चूम लूँ तो जेबा है, ये मिसरा किस शायर का है। पहला ऑप्शन यहाँ पे आतिश लखनवी, दूसरा ऑप्शन है रास्क अजीमाबादी, तीसरा ऑप्शन है साद अजीमाबादी और चौथा ऑप्शन है यगाना चंगेजी। ये मिसरा बताना है बेसिकली किस शायर का है। तो 65 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यगाना चंगेजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, दर्ज जेल में खलीलुर रहमान आजमी की तसनीफ कौन है। पहला ऑप्शन है उर्दू अदब की तारीख, दूसरा ऑप्शन है तरक्की पसंद शायरी, तीसरा ऑप्शन है नया अदब और चौथा ऑप्शन है उर्दू में तरक्की पसंद अदबी तहरीक। तो 66 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उर्दू में तरक्की पसंद अदबी तहरीक इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 67, उर्दू शायरी में तारीख गोई की रवायत किस शायर के दोस्त से आई, किस शायरी की दोस्त से आई, शायर नहीं यहाँ पे शायरी है बेसिकली। अगला तो यहाँ पे जो इसका ऑप्शन दे रखा है वो है अरबी शायरी, दूसरा है फारसी शायरी, तीसरा है हिंदी शायरी और चौथा है तुर्की शायरी। तो 67 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फारसी शायरी। बेसिकली जो उर्दू शायरी में तारीख गोई की रवायत आई है वो फारसी शायरी से ली गई है। अगला सवाल है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 68, गमे अरशद का ताल्लुक किस सिंफ शायरी से है। पहला ऑप्शन यहाँ पे कतात, दूसरा ऑप्शन है कतः तारीख, तीसरा ऑप्शन है मरसिया और चौथा ऑप्शन है रुबाई। तो ये जो गमे अरशद है ये इसका जो इस सिंफ का जो शायरी का ताल्लुक है वो है कतः तारीख से, ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे गरेज का ताल्लुक किस सिंफ शायरी से है। यहाँ पहला ऑप्शन है गज़ल, दूसरा ऑप्शन है कसीदा, तीसरा ऑप्शन है मरसिया और चौथा ऑप्शन है रुबाई। तो 69 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कसीदा। गरेज का ताल्लुक कसीदा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग का यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 70 है, तशबीब का ताल्लुक किस सिंफ से है। पहला ऑप्शन है यहाँ पे मसनूई, दूसरा ऑप्शन है कसीदा, तीसरा ऑप्शन है मरसिया और चौथा ऑप्शन है रुबाई। तो तशबीब का जो ताल्लुक है वो है आपको कसीदा से, ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, नज़ीर अहमद का ताल्लुक किस सिंफ से है। पहला ऑप्शन यहाँ पे नाविल, दूसरा ऑप्शन है अफसाना, तीसरा ऑप्शन है खाका और चौथा ऑप्शन है सवानह निगारी। तो नज़ीर अहमद का जो ताल्लुक है वो किससे है, नाविल से है, ऑप्शन नंबर ए हम लोग का सही हो जाएगा। 71 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 72, आग हवा पानी और मिट्टी में सबसे कमतर किसको समझा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पे आग, दूसरा ऑप्शन है हवा, तीसरा ऑप्शन है मिट्टी और चौथा ऑप्शन है पानी। तो ऑब्वियसली हम लोग का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिट्टी। मिट्टी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 73, इनमें कौन सी तख्लीक अफसाना नहीं है। पहला ऑप्शन यहाँ पे नज़ीर अहमद की कहानी, दूसरा ऑप्शन है प्रॉमिस, तीसरा है इब्राहिम सिक्का और चौथा है टूबा टिक्सिंग। तो देखिए, टूबा टिक्सिंग हो गया या फिर इब्राहिम सिक्का या प्रॉमिस, ये सब अफसाना है, लेकिन ये जो नज़ीर अहमद की कहानी है ये अफसाना नहीं है। तो हम लोग का ये वाला आंसर सही हो जाएगा। यहाँ सवाल में पूछा था नहीं है, और नज़ीर अहमद की जो कहानी है ये बेसिकली ये खाका है। तो चलिए अगला सवाल है हम लोग का यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 74, सैयद सुलेमान नदवी किसके शागिर्द थे। पहला ऑप्शन है यहाँ पे सर सैयद अहमद खान, दूसरा ऑप्शन है शिबली नोमानी, तीसरा ऑप्शन है हाली और चौथा ऑप्शन है अबुल कलाम आज़ाद। तो 74 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको शिबली नोमानी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, वजीर आगा की पैदाइश कब हुई। पहला ऑप्शन है यहाँ पे 1922, दूसरा ऑप्शन है 1921, तीसरा ऑप्शन है 1924 और चौथा ऑप्शन है 1925। वजीर आगा की पैदाइश हुई थी 1922 में, मतलब ऑप्शन नंबर ए हम लोग का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 76, मजमून इंशाइया क्या है कि मुसन्निफ कौन है। पहला ऑप्शन यहाँ पे वजीर आगा, दूसरा है रशीद अहमद सिद्दीकी, तीसरा ऑप्शन है पतर्स बुखारी और चौथा ऑप्शन है फरहतुल्ला बेग। तो मजमून
इंशाइया क्या है, इसके मुसन्निफ जो है आपको वो हो जाएंगे वजीर आगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, हिजरत क्या है, हिजरत क्या है, ऑप्शन नंबर ए है नाविल, दूसरा है अफसाना, तीसरा है ड्रामा और चौथा है इंशाइया। तो हिजरत जो है वो एक इंशाइया है, ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, अहमद जमाल पाशा की वफात कब हुई थी, पहला ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे 1985, दूसरा ऑप्शन है 1986, तीसरा ऑप्शन है 1987 और चौथा ऑप्शन है 1988। तो 1987 जो है हम लोग का वो सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 79, बागो बहार का ताल्लुक किस सिंफ से है, पहला ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे नाविल, दूसरा ऑप्शन है दास्तान, तीसरा ऑप्शन है अफसाना और चौथा ऑप्शन है इंशाइया। तो बागो बहार का जो ताल्लुक है वो है आपको दास्तान से, ये एक दास्तान है, बागो बहार एक दास्तान है। क्वेश्चन नंबर 80 हम लोग का, किस्सा आज़ाद वक्त का किस किताब का हिस्सा है, पहला ऑप्शन यहाँ पे फसाना है अजायब, दूसरा ऑप्शन है बागो बहार, तीसरा ऑप्शन है सब रस, चौथा ऑप्शन है आराइश महफिल। तो 80 का जो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बागो बहार। ये बेसिकली बागो बहार किताब जो है उसका एक हिस्सा है, किस्सा आज़ाद वक्त। अगला सवाल है यहाँ पे, फिक्र की जमा क्या होगी, फिक्र की जमा क्या होगी, पहला ऑप्शन है फिक्र, दूसरा ऑप्शन है मफकिर, तीसरा ऑप्शन है अफकार, चौथा ऑप्शन है तफकिर। तो फिक्र की जमा होती है अफकार, ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 है हम लोग का, वो एक खुशहाल शख्स है, इस जुमला में साबका क्या है। तो साबका बेसिकली वो होता है जो किसी लफ्ज के पहले तो आगे में लगा होता है, और लहाका उसको बोलते हैं जो कि किसी लफ्ज के आखिर में लगा होता है। तो यहाँ पहला ऑप्शन दे रखा है वो, दूसरा ऑप्शन है हाल, तीसरा ऑप्शन है खुश और चौथा ऑप्शन है एक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि खुशहाल जो है इसमें जो खुश है वो इसके आगे लगा हुआ, खुश और हाल बाद में है, खुश पहले है। अगर हमको बोलता है यहाँ पे लहाका बताने को तो हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही हो जाता, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि साबका क्या है, तो साबका हो जाएगा हम लोग का खुश, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 83, दर्ज जेल में इसमें आला कौन है, पहला ऑप्शन है यहाँ पे सजावट, दूसरा ऑप्शन है कुतुब खाना, तीसरा ऑप्शन है कफगीर और चौथा ऑप्शन है खूबसूरत। तो इसमें आला, देखो आला बेसिकली कोई भी काम करने की चीज़ होती है, और ये जो कफगीर है ये आप लोग को एक तरह से बोलते हैं हम लोग उल्टनी, इसको ये वही है, उल्टनी होता है ये, तो ये एक काम करने की चीज़ है, ठीक है ना। तो ये हम लोग का इसमें आला हो जाएगा, लेकिन ये सजावट, कुतुब खाना, खूबसूरत ये सब कोई काम करने की चीज़ नहीं है, तो ये तीनों तो ऑप्शन होगा नहीं, ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 84, नूर की जिद क्या होगी, जिद मतलब होता है आप सभी को पता ही है कि ऑपोजिट होता है उल्टा, विलोम। तो नूर बेसिकली नूर का मतलब होता है रोशनी, पहला ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे जुलमत, तीसरा ऑप्शन है रोशनी, चौथा ऑप्शन है खुलूत और चौथा ऑप्शन है अंधेरा। तो नूर का जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जुलमत। अगर यहाँ पे अब आप लोग बोलोगे कि नूर मतलब रोशनी अगर होता है तो यहाँ पे अंधेरा तो हो सकता था इसका, लेकिन नहीं, यहाँ पे अगर रोशनी दे रखा होता है ना कि रोशनी की जिद क्या होगी तो हम लोग मारते अंधेरा में, या फिर अगर अंधेरा दे रखा होता तो उसका मारते हम लोग रोशनी में, लेकिन चूंकि यहाँ पे नूर दे रखा है तो इसका जो हम लोग मारेंगे वो जुलमत में मारेंगे। नूर का मतलब होता है रोशनी, जुलमत का मतलब होता है अंधेरा। अगला सवाल है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 85, दर्ज जेल में इसमें फाइल कौन है, पहला ऑप्शन है यहाँ पे कत्ल, पहले तो ये समझिए कि फाइल किसको बोलते हैं। देखो फेल होता है मतलब काम, और काम को जो करने वाला कोई किसी भी काम को करने वाला एक शख्स होता है वो फाइल होता है। तो हम लोग पहले ऑप्शन देख लेते हैं, यहाँ पे पहला ऑप्शन है कत्ल, दूसरा है मक्तूल, तीसरा ऑप्शन है कातिल, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखो कत्ल जो है वो एक काम है, तो अगर फेल पूछा होता ना तो हम लोग कत्ल मार देते हैं, यहाँ पे कत्ल मार देते, लेकिन चूंकि यहाँ पे हम लोग से फाइल पूछा है तो कत्ल को करने वाला कातिल होता है, तो यहाँ पे हम लोग का जो ऑप्शन नंबर सी है वो सही हो जाएगा, कातिल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 86, रूह की सिफत क्या है, पहला ऑप्शन यहाँ पे अरवाह, दूसरा ऑप्शन है रूहानी, तीसरा ऑप्शन है रूहानियत और चौथा ऑप्शन है रूमानी। तो रूह की जो सिफत है वो रूहानियत है, ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 87, हसीन का मुतरादिफ क्या होगा, मुतरादिफ बताना है हसीन का। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मुतरादिफ का मतलब होता है कि अल्फाज अलग अलग हो लेकिन उसका मीनिंग एक ही हो। तो अगर यहाँ पे होता ना हसीन की जगह हुस्न होता तो हम हुस्न का जमाल मार देते, ऑप्शन नंबर ए, लेकिन चूंकि यहाँ पे हसीन है तो पहले ऑप्शन देख लेते, पहला ऑप्शन है जमाल, दूसरा ऑप्शन है कमाल, तीसरा ऑप्शन है जमील और चौथा ऑप्शन है खूबसूरत। आपने अक्सर सुना होगा कि हुस्न जमील ऐसे साथ में इस्तेमाल होता है, तो हुस्न का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जमील। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 88, स्कूल क्या है, पहला ऑप्शन है यहाँ पे इसमें आला, दूसरा ऑप्शन है सिफत, तीसरा ऑप्शन है इसमें ज़र्फ़ और चौथा ऑप्शन है हासिल मजदर। तो स्कूल जो है वो इसमें ज़र्फ़ है, इसमें ज़र्फ़ की किस्म है स्कूल। अगला सवाल है यहाँ पे हम लोग का क्वेश्चन नंबर 89, नाक में दम करना का मतलब क्या है, नाक में दम करना जो है इसका मतलब क्या है। पहला ऑप्शन यहाँ पे नाक में दवा डालना, दूसरा ऑप्शन है गुरूर करना, तीसरा ऑप्शन है परेशान होना, चौथा ऑप्शन है बेपरवाह होना। तो ऑब्वियसली नाक में दम करने का मतलब होता है परेशान होना।
नाक में दम करने का मतलब होता है परेशान होना, ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हम लोग का क्वेश्चन नंबर 90, मुनासिब लफ्ज से जुमला मुकम्मल कीजिए, तुम कहाँ जाते, और यहाँ पे पहला ऑप्शन दे रखा है, दूसरा ऑप्शन है हूँ, तीसरा ऑप्शन है और चौथा ऑप्शन है हूँ। तो यहाँ पे हो जाएगा तुम कहाँ जाते हो, तो ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही हो जाएगा, 90 का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल हम लोग का यहाँ पे, नज़ीर अहमद फरहतुल्ला बिक के कौन थे, पहला ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है शागिर्द, दूसरा ऑप्शन है वालिद, तीसरा ऑप्शन है उस्ताद और चौथा ऑप्शन है चचा। तो नज़ीर अहमद जो थे वो फरहतुल्ला बिक के उस्ताद थे, ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही हो। अगला सवाल है हम लोग का यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 92, नाविल मिरातुल उरूस के मुसन्निफ कौन है, पहला ऑप्शन यहाँ पे डिप्टी नज़ीर अहमद, दूसरा ऑप्शन है अब्दुल हलीम शरर, तीसरा ऑप्शन है प्रेमचंद और चौथा ऑप्शन है कृष्ण चंद्र। तो नाविल मिरातुल उरूस जो है इसके मुसन्निफ है डिप्टी नज़ीर अहमद, ऑप्शन नंबर ए हम लोग का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, नाश्ता किसकी इस्लाह है, इस्तलाह है, ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पे भूख लगने की, दूसरा ऑप्शन है भूख उड़ाने की, तीसरा ऑप्शन है भूख तोड़ने की और चौथा ऑप्शन है भूख मिटाने की। तो हम लोग का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भूख तोड़ने की, नाश्ता भूख तोड़ने की इस्तलाह है। अगला सवाल हम लोग का यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 94, इंशाइया क्या है, इंशाइया क्या है, पहला ऑप्शन यहाँ पे नाविल की किस्म, दूसरा ऑप्शन है मजमून की किस्म, तीसरा ऑप्शन है अफसाना की किस्म और चौथा ऑप्शन है दास्तान की किस्म। तो नाविल जो है वो बेसिकली मजमून की किस्म है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्वेश्चन नंबर 95, वजीर आगा के एक इंशाइयों के मजमुए का नाम लिखिए, लिखिए, पहला ऑप्शन है यहाँ पे बलाए हुस्न, दूसरा ऑप्शन है चंद्र इंशाइये और तीसरा ऑप्शन है इंशाइया और इंशाइये, चौथा ऑप्शन है चोरी से यारी तक। तो वजीर आगा का जो एक इंशाइयों का मजमूआ है वो चोरी से यारी तक है, ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 96, अहमद जमाल पाशा की पैदाइश कब हुई, पहला ऑप्शन है 1928, दूसरा ऑप्शन है 1929, तीसरा ऑप्शन है 1930 और चौथा ऑप्शन है 1932। तो अहमद जमाल पाशा की जो पैदाइश हुई थी वो 1929 में हुई थी, ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 97, फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ कायम किया गया था, पहला ऑप्शन यहाँ पे दिल्ली, दूसरा ऑप्शन है हैदराबाद, तीसरा ऑप्शन है रामपुर, चौथा ऑप्शन है कोलकाता। तो फोर्ट विलियम कॉलेज जो है वो कोलकाता में है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, वहीं इसको कायम किया गया था। अगला सवाल हम लोग का क्वेश्चन नंबर 98, बागो बहार में कितने दरवेशों के किस्से बयान किए गए हैं, तो पहला ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे दो, दूसरा ऑप्शन है एक, तीसरा ऑप्शन है चार और चौथा ऑप्शन है तीन। तो बागो बहार जो दास्ता है उसमें जो दरवेश का जिक्र है वो चार दरवेश का जिक्र है, ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही हो जाएगा, चार दरवेश। अगला सवाल हम लोग का क्वेश्चन नंबर 99, फिक्शन की सबसे मुख्तसर सिंफ किसे कहा जाता है, पहला ऑप्शन है यहाँ पे नाविल, दूसरा है अफसाना, तीसरा है दास्तान और चौथा है ड्रामा। तो फिक्शन की जो सबसे मुख्तसर सिंफ कहा जाता है वो कहा जाता है आपको अफसाना को, ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इस साल का 2021 में पूछे गए जो सवाल है उन सभी का लास्ट क्वेश्चन ये, कौन सी नसरी सिंफ चावल पर कुल हुवल्ला लिखने का फन है, पहला ऑप्शन यहाँ पे दास्तान, दूसरा ऑप्शन है नाविल, तीसरा ऑप्शन है अफसाना और चौथा ऑप्शन है इंशाइया। तो चावल पे जो कुल हुवल्ला लिखने का फन है वो अफसाना नसरी सिंफ में, ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही हो जाएगा।